हेलो गाइस, आई एम विकेश कुमार। वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेज। आज हम वापस डिस्कस करेंगे रियल नंबर। तो व्हाट इज द रियल नंबर? ए नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर, या फिर बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला देंगे, रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर वो नंबर जो रियली में एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। बेसिकली रियल नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, रेशनल एंड इरेशनल। अगर रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया है, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर में कौन से नंबर होते हैं? जनरल सी बात है, आगे डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, नॉन इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से अब डील कर लेते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लीजिए उसके बाद। तो चलिए आते हैं। तो रेशनल नंबर हो गया जो -0, 7 जो भी फ्रैक्शन में आए, ओके, ये हो गया रेशनल। और इरेशनल नंबर में जो फ्रैक्शन में नहीं हो, लाइक -√2, √5√3, −√6, −√5, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। रेशनल नंबर को टू पार्ट में पाता, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो बेसिकली फ्रैक्शन में नहीं होते, तो −2, −1, 0, 1, 2 ये सब हो सकते हैं। और नॉन इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स जो फ्रैक्शन में होते हैं, लाइक 11/2, −2/5, −3/5, इस तरह से जो भी हो नॉन। अब यहां पे इंटीजर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, और बोल सकते हैं कि होल इंटीजर्स। ठीक है, ओके। तो नेगेटिव इंटीजर्स की अगर बात करते हैं तो नेगेटिव जो नेगेटिव फॉर्म में हो, लाइक −3, −2, −1, −5 जो भी हो नेगेटिव में हो, और होल इंटीजर्स कौन होता है? जो जीरो और जो पॉजिटिव में रहता है। ओके, तो ये हो गया हमारा रियल नंबर, टोटल फ्लो चार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो वो है रेशनल नंबर, कि व्हाट इज द रेशनल नंबर? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज पी बाय क्यू, वेयर पी आर क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉल्ड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हो लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। रेशनल नंबर, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये बात करते हैं तो जो भी फ्रैक्शंस में है वो रेशनल नंबर है, 3/5, 7/9, 13/15, −7/3। अगर और ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो 1, 2, 1, 2, 5, −5, 6 कुछ भी ले सकते हैं।
क्योंकि ये जो नंबर्स है जो इंटीजर्स आ रहे हैं ये भी रेशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है तो बाई वन है, तो ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो भी डेसिमल फॉर्म में आते हैं ये सब रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू एंड पी आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू कॉल 0 इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। देखिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, यानी इसका फ्रैक्शन नहीं किया जा सकता। रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट फिफ्टीन पाई या रूट टू बाई रूट थ्री, तो इनको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। जो फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते वही इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर को दूसरा डिफिनेशन देना चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि जो इरेशनल नंबर है बाय द वे, नहीं तो वो खत्म होगा नहीं वो बार बार रिपीट होगा। लाइक दिस 0.10110101101, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और नहीं खत्म हो रहा है। अगर कोई भी रिपीटिंग वर्ड रिपीटिंग डेसिमल्स आ रहा है, सपोज दैट रैकरिंग, मान लीजिए 2.77777 या 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है रेशनल नंबर है। लेकिन रेशनल नंबर में ऐसा होता है, इसमें भी देखिए 2.7777 ये खत्म नहीं हो रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है। उसी तरह इरेशनल नंबर में दो चीज, लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है, 7 का क्या है, रिपीट हो रहा है 7 बार बार। लेकिन इरेशनल नंबर में दोनों चीजें होती है, नहीं वो खत्म भी नहीं होता, इन्फिनिटी तक जाता भी है और रिपीट भी नहीं होता। जैसे कि 0.25 255, यहां पे 2525 तो आया लेकिन एक और 5 आया 2555, ठीक है, तो यहां पे रिपीट नहीं हुआ, 2525525 इस तरह से आ रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही चीज बार बार, इस पर रेकरिंग नहीं लगा सकते। तो इस तरह के जो डेसिमल्स आते हैं वो इरेशनल्स नंबर होते हैं, लेकिन जो इस तरह के डेसिमल्स आते हैं 2 पॉइंट रेकरिंग वाले वो रेशनल्स नंबर होते हैं। तो इसका दूसरा भी डिफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं थ्योरम्स के ऊपर। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। थ्योरम्स है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स इफ पी डिवाइडेड डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइडेड ए। पी कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। एकदम सिंपल है, हमें यही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि पी डिवाइड ए, यही प्रूफ करना है। तो हमें पता है एक चीज जो ऑलरेडी प्रूफ है, ठीक है, क्या प्रूफ है हमारे पास कि वी नो दैट, हम सभी जानते हैं दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, वो अपने प्राइम का प्रोडक्ट होता है। एकदम बात क्लियर है, ये हमने पहले देखा हुआ है, ठीक है। तो अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना,
तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ये तो आप चाहे तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर अगर अपने स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको डिवाइड किए बिना स्क्वायर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो थोड़ा सा और सोचते हैं, मान लेते हैं, अगर इसको प्रूफ करना है, हमें एक्सप्लेन करना है, तो एक चीज और कर लेते हैं कि मान लेते हैं, लेट्स ए इज पॉजिटिव इंटीजर्स है और जो ए जो है वो प्राइम का मल्टीपल है। यही होता है, कोई भी नंबर जो होता है अपने प्राइम का मल्टीपल ही होता है। ठीक है, मान लीजिए 6 है तो 2 और 3 का मल्टीपल है, 2 और 3 क्या है, प्राइम से। तो ये भी यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स है और ए जो है प्राइम का मल्टीपल है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते आप, ए इज पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि ए इज मल्टीपल ऑफ प्राइम और जो प्राइम नंबर है, ठीक है, वो 1 से ज्यादा हो सकता है, कोई जरूरी तो रहे। ठीक है, तो यू कैन से दैट ए किसका किसका मल्टीपल है, प्राइम नंबर मान लेते हैं P1, P2 इस तरह से है PN तक, इनका मल्टीपल है ये। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये क्या है? इनका क्या है, मल्टीपल है PN तक। एकदम क्लियर है बात? दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो ए इनका मल्टीपल है। ओके, तो ए स्क्वायर क्या होगा, अगर ए स्क्वायर करेंगे तो ये यही चीज 2 टाइम्स हो जाएगा, सेम डी टू, वापस यही लिख देते हैं। क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या बोला था, पी बी ए प्राइम नंबर, ए इज पॉजिटिव इंटीजर्स, पी डिवाइडेड ए स्क्वायर, पी डिवाइडेड ए स्क्वायर। ठीक है, तो पी जो जो भी हो, कोई भी प्राइम्स हो, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो या तो इसको डिवाइड कर रहा होगा या तो इसको डिवाइड कर रहा होगा, किसी एक को डिवाइड कर रहा होगा वो। ठीक है, या इसको या तो इसको। इस कंडीशंस में क्या है कि दोनों जो है प्रोडक्ट सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। ठीक है ना, तो अगर पी इसको डिवाइड करेगा तो ये ए स्क्वायर पूरी तरह से डिवाइड हो गया, या पी इसको डिवाइड करेगा तो ए स्क्वायर पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो किसी को भी डिवाइड करेगा तो एक को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि दोनों कंडीशन में ए है कि नहीं? तो इसलिए बोल सकते हैं क्या, कि थोड़ा एक लाइन और लिख लेते हैं, पी इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, पी इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं पी इज डिवाइडेड डिवाइड ए स्क्वायर, शॉर्ट में लिख लीजिए, पी डिवाइड ए स्क्वायर, सो पी इज ऑल्सो डिवाइड ए। क्लियर है? बिल्कुल, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको बस शो करना था, दैट्स मैं हमने किया। अगर आपको समझना है तो थोड़ी और लेते हैं एग्जाम्पल्स, दूसरी नई एग्जाम्पल्स लेते हैं, उस पर बेसिक तौर पे सॉल्व करते हैं समझने के लिए। ओके, चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं, हमने जो डिस्कस किया उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 3 इज डिवाइडेड बाई 81 एंड 3 इज ऑल्सो डिवाइडेड, सॉरी 3 इज डिवाइड 81
एंड थ्री इज ऑल्सो डिवाइड 9। ओके, समझ में आई? तो चलिए इसी बात पे बोल लेते हैं कि इफ 3 डिवाइड 81 देन 3 डिवाइड 9। ओके, वही चीज थी यहां पे, p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a, सेम फॉर्म दिख रहा है कि नहीं? अगर बात करते हैं कि जो वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो किसी ना किसी प्राइम का प्रोडक्ट ही होता है। अगर 9 को ब्रेक करेंगे, ठीक है, 81 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? 9 × 9। ओके, और यहां पे ऑलरेडी बोल रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, 81 जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिक्स है कि इससे भी डिवाइड होगा। जब इसको डिवाइड कर रहा है तो या तो इसको डिवाइड कर रहा होगा या फिर इसको डिवाइड कर रहा होगा। एक को तो डिवाइड करेगा तभी 81 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और दोनों कंडीशंस में क्या है? 9 है। जरा सोच के देखिए कि कोई भी नंबर किसी प्राइम को डिवाइड करेगा तभी उसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो या तो इसको डिवाइड कर रहा होगा या तो इसको डिवाइड कर रहा होगा, और किसी को भी डिवाइड करेगा वो दोनों क्या है? 9। तो यू कैन से दैट द ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी, ठीक है, यानी ए इंटू ए बाय पी, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करना है तो किसी ना किसी ए को, कोई ए को डिवाइड करना होगा। तो इसीलिए आप एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे देते हैं जो हमने दिया कि पी, या इसमें ले लेते हैं ना, 3 डिवाइड 81 सो देन, ओके, बोल सकते हैं 3 डिवाइड 9। वही चीज यहां पे दे दीजिए, पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए, यही चीज प्रूफ करना था। बात समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं, प्रूफ एंड प्रूफ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूफ भी यूज किया, प्रूफ भी यूज कर लिया। क्या था क्वेश्चन में? कि हमें प्रूफ करना है कि P जो है A को डिवाइड करेगा। उसके बाद हमने यूज किया कि प्रूफ हमारे पास है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है वो प्रोडक्ट का प्राइम होता है, सॉरी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखा, प्रूफ और प्रूफ में डिफरेंस क्या है। चलिए थोड़ी सी बात लेते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं वीडियो को, बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है बार बार, लेकिन अपन शॉर्ट में बना नहीं सकते, मेरी आदत नहीं है। तो चलिए आते हैं। आप अदालत की कार्रवाई देखे होंगे, मूवीज में तो देखे होंगे, रियल में देखे हो या ना। किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ चाहिए होता है, यानी अगर किसी को प्रूफ करना है कि ये मुजरिम है, यानी साबित करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एविडेंस, प्रूफ चाहिए। कैसे साबित करेंगे? तो ये चीजें होती है कि प्रूफ होता है साबित करना, और प्रूफ होता है सबूत, जिसके बेस पे साबित करते हैं। समझ में आई बातें? तो ये डिफरेंस है, यानी जो प्रूफ होता है वो ऑलरेडी साबित है, पहले ही से है, उसके बिना पे साबित करते हैं, वो एक सबूत है। तो जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में हमने ये पहले ही जान चुके हैं कि जितना ये साबित कर चुके हैं कि जितना पॉजिटिव इंटीजर्स है वो प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब उसी बिना पे इसको साबित किए,
ये बताना इसलिए जरूरी था कि आगे बहुत सारे क्वेश्चन प्रूव करने हैं जिसमें इसका यूज होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट पी इज इरेशनल नंबर, ये शो करना हमें। रूट पी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हमने आपको प्रूफ और प्रूफ में डिफरेंसेस बताए हैं। तो मान लेते हैं कि रूट पी जो है वो रेशनल है, ठीक है। लेट अस एज्यूम रूट पी इज रेशनल, ठीक है। अगर ये रेशनल है तो रेशनल की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, है ना। ये तो जो प्रूफ है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या होगा? देन इट विल बी ऑफ द फॉर्म ए बाई बी। अगर ये रेशनल है तो ए बाई बी के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ए बाई बी के फॉर्म में रहेगा और बी क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0। और सबसे बड़ी बात यह है कि ए और बी जो होगा वो को प्राइम होता है। क्या होता है? को प्राइम होता है, ठीक है। अगर को प्राइम नंबर होता है यानी ए और बी का एच सी एफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए सिर्फ 1। एच सी एफ 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ए और बी का एच सी एफ क्या होगा? 1 होगा अगर ये रेशनल है तो। अगर ए बाई बी का एच सी एफ 1 नहीं आता है यानी ये रेशनल नहीं है, सिंपल सी बात है। तो मान लेते हैं, चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि रूट पी इज्कवल टू ए बाई बी है, मान लेते हैं है। चलो अगर दोनों को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर। अगर दोनों को स्क्वायर करते हैं तो पी इज्कवल टू क्या होगा? ए स्क्वायर बाई बी। अगर और थोड़ा डिटेलिंग करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर बी से डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर टर्म्स में ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? बी से। तो हमने इससे पिछले वाले थ्योरम में ये प्रूफ किया हुआ है कि ए स्क्वायर अगर बी से डिवाइड होगा, कोई भी स्क्वायर किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो भी डिवाइड होगा प्राइम नंबर से, उसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। यानी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर बी से डिवाइड हो रहा है तो ए भी बी से डिवाइड होगा, सिंपल है। इससे पहले वाले थ्योरम में यही हमने प्रूफ किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यू आप लिख सकते हैं इस तरह से कि क्या होगा कि बी डिवाइड ए, बी जो है ए से तो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया बात ये। तो मान लो बी जो है ए को डिवाइड कर रहा है तो कुछ टाइम में तो कर रहा होगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। पी ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पी जो है ए को डिवाइड जब कर रहा है तो कुछ टाइम में तो कर रहा होगा, पी डिवाइड ए मान लेते हैं क्यू टाइम्स में कर रहा है। पी जो है ए को क्यू टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये भी एज्यूम कर लेते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा? पी क्यू, एज्यूम ही करो ये, ठीक है ना। ए इक्वल टू क्या होगा? पी क्यू। तो वापस करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड अपन करते हैं तो क्या हमारे पास आएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और यहां के हिसाब से हमें देखा जाए, ठीक है, अगर यहां पर देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो ये फॉर्म यहां डालते हैं, पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर,
क्लियर हो गया। यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ओके, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो यहां से अगर देखते हैं तो हमारे पास एक और नया रिजल्ट आएगा, बी स्क्वायर बाई पी इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहां पे क्या हुआ कि बी स्क्वायर जो है पी से डिवाइड हो रहा है, तो बी भी पी से डिवाइड होगा, बी भी पी से डिवाइड होगा। यहां पे ए पी से डिवाइड हो रहा है, यहां पे बी पी से डिवाइड हो रहा है, दोनों पी से डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, पी है। बोल सकते हैं पी इज कॉमन फैक्टर ए एंड बी। क्लियर। अगर पी कॉमन फैक्टर हो गया तो एचसीएफ भी पी ही होगा, जो कॉमन फैक्टर होता है वही तो एचसीएफ होता है। पी इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। जब ये एचसीएफ हो गया इसका मतलब ये है कि रूट पी इज नॉट ए रेशनल, नॉट ए रेशनल। अगर रेशनल नहीं तो है तो क्या है, रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। तो आप बोल सकते हैं ऐसा। क्लियर हुई बात, समझ में आया। मेथड ऑफ फाइंडिंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं इरेशनल नंबर फाइंड करने के, दो तीन तथ्य को समझते हैं। पहले पॉइंट कि रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर या तो ऐड करते हैं या तो सबट्रैक्ट करते हैं, हमेशा ही इरेशनल आएगा। आप देख लीजिए, रेशनल मान लीजिए 2 है, यहां प्लस माइनस कुछ भी है, 3 है, तो 2 प्लस माइनस रूट 3 इज इक्वल टू इरेशनल। यानी ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। लेकिन अगर इरेशनल में इरेशनल को माइनस कर रहे हैं, इरेशनल में इरेशनल को ऐड कर रहे हैं तो भी इरेशनल ही आएगा, फिक्स है। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर इरेशनल नंबर है, ठीक है, अगर इरेशनल ही माइनस कर देते हैं तो उसमें इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। ऐसा इसलिए, मान लीजिए रूट थ्री है, इरेशनल है, रूट थ्री में से रूट थ्री को ही माइनस किए, 0, तो रेशनल आ गया है कि नहीं, यहां क्या है कि नहीं। तो ये कंडीशन बेस्ड है लेकिन ज्यादातर ऐसे। अब मान लीजिए रेशनल है और इसमें इरेशनल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। लेकिन अगर यही इरेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि इरेशनल ही आए, दोनों आ सकता है, दोनों आ सकता है। जैसे रूट टू में रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेशनल हुआ। ओके, इसी तरह रूट थ्री में रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 इरेशनल हुआ। तो ये कंडीशन बेस्ड है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं रेशनल
divided by irrational, ठीक है। तो ये रेशनल भी हो सकता है और फिर इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बेचते हैं। अब बाकी तो चलिए इसी बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या क्या कारण हो सकता है, कैसे कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या क्या इसमें मेथड यूज कर सकते हैं, कैसे हम सोचेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को ऑब्जर्व कैसे करेंगे, उसको शो कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक तौर पे। ठीक है, तो चलिए आते हैं मेन मुद्दा पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शो दैट 3√2, शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, मान लेते हैं सो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारे पास कंडीशन आ गया। क्लियर है? ओके, तो इसको अगर हमें शो करना है तो सबसे पहले वही चीज जानते हैं कि इसको एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इरेशनल है तो इरेशनल है, हमें ये तो नहीं पता है, हमें दिखाना इरेशनल है, हम मानते नहीं है इरेशनल, इरेशनल है तो कि इरेशनल ना मान के रेशनल ही क्यों मानते हैं, क्योंकि इरेशनल की प्रॉपर्टी सारी हमें पता है, अगर वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा इसका मतलब इरेशनल है, अगर वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया इसका मतलब क्या है, रेशनल है। तो प्रॉपर्टी तो पता है कि रेशनल था, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू वन, सिंपल है। तो चलिए मान लेते हैं सॉल्व करने से पहले, लेट्स 3√2 बी ए रेशनल। क्लियर हो गया? और ये किसके फॉर्म में रहेगा, देन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड इट विल फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, यहां पे पी और क्यू जो है एक को प्राइम इंटीजर्स है, क्योंकि उसका एचसीएफ होने वन होना चाहिए, व्हेन पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये भी लिख लीजिए क्या लिखने में क्या। ठीक है, ये को प्राइम इंटीजर है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो कंडीशन हमारे पास होगी पॉली पॉइंट। सेकेंड थिंग पे आते हैं कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो बोल सकते हैं 3√2 इक्वल टू पी बाई क्यू और √2 इक्वल टू पी बाई 3 क्यू। ओके, और हम सबको पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल है, थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया हुआ ये बात। अगर मान लो आपको ज्यादा नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना है, तो सबसे पहले √2 को प्रूफ करके दिखा दो ना, वो इरेशनल है। √2 क्या है, इरेशनल है, तो हमें पता है थोड़ी देर, ठीक है, कि वो इरेशनल है। ऐसे भी आपको ये सिंगल डिजिट के बारे में पता होता है, क्योंकि कोई भी नंबर जिसका रूट नहीं निकाला जा सके, अगर वो रूट के अंदर है वो इरेशनल है। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17, √18, लाइक दिस। तो जो भी रूट के अंदर है जिसका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं किया जा सकता वो क्या है, इरेशनल है। तो ये तो इरेशनल है, ये इरेशनल है। और पी बाई क्यू क्या है, P by Q अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो ये रेशनल है। तो इरेशनल इक्वल टू रेशनल, दैट इज ए पॉसिबल और नॉट, नहीं ये तो हो नहीं सकता,
कि एक तरफ रेशनल हो दूसरी तरफ इरेशनल हो, दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। हमें पता है कि q does not equal to zero, यानी 3q is not equal to zero, ठीक है। तो रूट टू क्या है? इरेशनल है, ठीक है, और ये क्या है? रेशनल है कि नहीं? और बोल सकते हैं 3q does not equal to zero, क्योंकि q does not equal to zero, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो नहीं रहेगा। क्लियर हो गया बात? ओके, तो अगर ये इरेशनल है, इरेशनल है, ये जीरो है भी नहीं, तो बोल सकते हैं ये दोनों आपस में क्लियरेंस नहीं है। अगर क्लियरेंस नहीं है तो हमारा एजप्शन जो है, जो हमने माना हुआ है थ्री रूट टू इज रेशनल, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल आ जा रहा है। तो ये हमारा मानना, हमारा एजप्शन क्या है, वो गलत हो गया। तो बोल सकते हैं थ्री रूट टू इज नॉट रेशनल। अगर रेशनल नहीं है ये, तो फिर क्या है ये? आपको पता है कि नंबर्स तो दो ही तरह के होते हैं, ठीक है, या तो रेशनल होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं। तो बोल सकते हैं कि थ्री रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर होगी बात? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल, यही शो करना है। क्लियर है? सो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। ओके, चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो सेम इसमें भी वही चीज करते हैं जो पहले से करते आ रहे हैं, कि एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। क्लियर है? तो 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल, देन इट विल बी द फॉर्म ए बाई बी, मान लेते हैं यहाँ पे पी बाई क्यू, ए बाई बी, बी बाई सी, कुछ भी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए एंड बी को प्राइम और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये चीजें आ गई हमारे पास, ठीक है। तो चलिए आते हैं, 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है, यहां ले शुरू करते हैं। तो बोल क्या सकते हैं कि 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट थ्री, ये इधर आया। तो एक बात बताओ, ये सबको पता है कि 5 जो है वो रेशनल है और a बाई बी तो रेशनल है, ठीक है। तो रेस और ये क्या है, रूट थ्री क्या है, वो एक इरेशनल है कि नहीं है? तो रेशनल में से रेशनल को माइनस करेंगे, हमेशा क्या आएगा, रेशनल। कोई भी रेशनल नंबर उठा लो, उसमें से कोई रेशनल ही अगर माइनस करेंगे, 5 में ले 3, 5 में से 2, कुछ भी 1, 10, माइनस में ही भले क्यों ना आए, लेकिन रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, हमेशा रेशनल होगा, ठीक है। और थ्री क्या है, इरेशनल है। तो बोल सकते हैं कि रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, ये पॉसिबल है क्या? एक तरफ से रेशनल, दूसरी तरफ से इरेशनल, तो जो हमारा एजप्शंस है वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो बोल सकते हैं आवर एजप्शन इज रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग है, ये रेशनल नहीं है, तो क्या है, 5 माइनस थ्री इज नॉट ए रेशनल। अगर रेशनल नहीं है तो क्या है फिर,
क्लियर है? कोई डाउट? डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर, थोड़ी देर पहले हम इसी का जिक्र कर रहे थे कि डेसिमल एक्सप्रेशंस, लाइक दो तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन होता है बेसिक तौर पे, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो होता क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है फिनिट, ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो उसका अंत हो, कहीं ना कहीं जाके वो खत्म होता हो, ठीक है, कंप्लीटली। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? द नंबर विच टर्मिनेट आफ्टर फिनिट नंबर, ओके, ऑफ अ स्टेप इन प्रोग्रेशन। क्लियर? ऑफ डिवीजन इज सेड टू बी टर्मिनेट इन डेसिमल, इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? तो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जिसका कहीं ना कहीं जाके अंत होता हो, फिनिट हो जो, लाइक 1.25, क्लियर, 3.75, 3.14, ये अंत हो जा रहा है, इट इज, ठीक है। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, 1.2235 ऐसे भी कहीं, लेकिन अंत होता हो। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है जो फिनिट ही ना हो, वो इन्फिनिटी तक बस एक्सप्रेशन चलता जाए, उसका कोई अंत ही ना हो। द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट इन द प्रोग्रेशन ऑफ डिवीजन इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नॉन टर्मिन, ये तो यहाँ खत्म हो जाता है, दूसरी पॉइंट होती है नॉन टर्मिनेटिंग, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि वो टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है, वो डिवीजन का जो डेसिमल एक्सप्रेशन वो टर्मिनेट नहीं होता, वो चलता जाता है, बस चलता जाता है, वो खत्म ही नहीं होता। जैसे देख लेते हैं कि 1/3 जो है इसको डिवाइड करो 0.33333, जहाँ तक चलो ये चलता ही जाएगा, ठीक है। तो इसको रैकरिंग, जो रिपीटिंग है वो रिपीट कौन हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 3 के ऊपर रैकरिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मान लो ऐसे भी हो सकता है 2.75555, तो रिपीट कौन हो रहा है, 5.75 पे सिर्फ रेकरिंग आ गया, तो इसको रेकरिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये हो गया आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी दो तरह के होते हैं, एक ये जो अभी हमने देखा रिपीट हो रहा है, एक वो जो रिपीट नहीं होता है। देखो एक होता है नॉन रिपीटिंग, पहला जो लिख सकते हैं नॉन
टर्मिनेटिंग मतलब फिनिट, जो फिनिट तक नहीं जा रहा है यानी खत्म नहीं हो रहा है, रिपीटिंग लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का पहला पार्ट है रिपीटिंग एक्सप्रेशन, जो रिपीट हो रहा है। दूसरा पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन रिपीटिंग एक्सप्रेशन। तो दो आ गया, एक तो रिपीट हो रहा है, दूसरा रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तो पहली बात कर रहे थे रिपीटिंग एक्सप्रेशन और दूसरी नॉन रिपीटिंग एक्सप्रेशन, ओके। तो रिपीटिंग एक्सप्रेशन में जो हमने एग्जांपल्स लिया था वही ले लेते हैं, 0.33333, ठीक है, ऐसे जो रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो ये रिपीटिंग है, इन्फिनिटी तक तो जा रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है बार बार। लेकिन नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि ऐसा डेसिमल जो इन्फिनिटी तक भी जाए, जो फिनिट भी ना हो, जो टर्मिनेटिंग भी ना हो, लेकिन रिपीट भी नहीं होता है, ऐसे डेसिमल नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में आपका अगर एग्जांपल लिया जाए तो √3 आ जाएगा। तो √3 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको पॉइंट्स में आएगा 1.03003003, इस तरह के आएगा। तो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, या √2 भी आ सकता है, इसको भी हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशंस में कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी एग्जांपल ले लीजिए 2525 2225 2225, ये रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन वो इन्फिनिटी तक भी जा रहा है। तो ये इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स में आ जाते हैं, जो नॉन रिपीटिंग एक्सप्रेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एक्सप्रेशन, ये इरेशनल नंबर होता है और रिपीटिंग एक्सप्रेशन रेशनल नंबर होता है। इस बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अगर इसको हम लोग एक चार्ट बना के देखेंगे, ठीक है, बेसिकली तौर पे, उसके बाद हम लोग आगे थ्योरम्स पे काम करेंगे, दो चार एग्जांपल्स करेंगे एंड खत्म करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन, इसको दो पार्ट में बांटे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग जो होता है वो सीधा सीधा रेशनल नंबर है, यानी जो जो फिनिट डेसिमल्स होते हैं उस फिक्स है कि फ्रैक्शंस में आ जाएगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपीटिंग जो बार बार रिपीट होता है, एक नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं होता है। जो रिपीटिंग होता है वो भी रेशनल नंबर का ही पार्ट होता है, जो नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल नंबर का पार्ट होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों रियल नंबर का ही पार्ट है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स से लेते हुए इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हमें पता लगाएंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। कोई भी फ्रैक्शंस को हम कैसे पता लगाएंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बिना डिवाइड किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बात पे डिस्कशन कर शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, ऑन डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर, ओके, यहां पे एक्स भी ए रेशनल नंबर
whose decimal expression terminate, then it can be expressed in the form p by q, where p by q are the coprime and the prime factorizations of q is the form of 2 power m and 5 power n. Yeah, 2 power n, 5 power m, where n or m are non-negative integers. कहना ये चाहता है कि कभी भी कोई भी जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन करने के बाद टर्मिनेट तभी होगा जब उसका डिनोमिनेटर जो है 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म में रहेगा, जहां पे n और m निगेटिव इंटीजर्स नहीं रहेगा. यानी निगेटिव इंटीजर्स नहीं होने का मतलब क्या है कि n और m जो है होल इंटीजर्स हो सकता है. तो बोल सकते हैं कि n एंड m इज होल इंटीजर. होल इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं? जीरो आ सकता है, ओके, बाकी आपका जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ये सब आएगा. तो जब ये फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो फिक्स है कि वो जो फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेट रहेगा. डिनोमिनेटर इस फॉर्म में अगर नहीं रहता है, क्यू इस फॉर्म में नहीं रहता है, तो वो टर्मिनेट नहीं होगा. बिना डिवाइड किए हम ये पता कर लेंगे. ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बाय द वे, ठीक है, कि एक्सप्रेस 23.3408 एज ए डेसिमल एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. ठीक है, चलिए दिखाते हैं. सबसे बड़ी बात यह है जब ये आ ही गया, डेसिमल फिनिट है ना, फिनिट, अगर ये फिनिट है, ऑलरेडी फिनिट है, टर्मिनेट हो रहा है, और हमें इसमें क्या दिखाना है, डेसिमल एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर के फॉर्म में कब होता है? जब पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है. तो पी वाई क्यू के फॉर्म में करना कौन सी बड़ी बात है? इसके लिए बस डेसिमल को हटाइए, कितना है, 10 पावर 4. ये सबको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, 10 पावर 4. अगर 10 पावर 4 है बाय द वे, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हो गया कि नहीं? ये तो डेसिमल एक्सप्रेशन में हो गया, लेकिन को प्राइम होना चाहिए. को प्राइम क्या होता है? कि दोनों का फ्रैक्शन, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन 1 हो, तो को प्राइम होगा. तो इसके लिए ऊपर वाले का भी फैक्टर कर देते हैं. इसका फैक्टर करेंगे 2 पावर 6 7 इंटू 5 टू 1, और नीचे वाले का फैक्टर करेंगे 10 है तो 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4, 10 पावर 4 का हो गया. तो ये कट गया 2 स्क्वायर से, ठीक है, तो हमारे पास आया 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5 टू 1 बाई 5 पावर 4. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें क्या एक्सप्रेस करना था? टर्मिनेट तो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेस, वो क्वेश्चन नहीं आया ना, एक्सप्रेस दो 23.3408 आर डेसिमल एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर. ये p by q के फॉर्म में आ गया, सो रेशनल नंबर है. ठीक है, आप SCF निकाल के देखिए, इन दोनों का 1 आएगा. q does not equal to 0, p and q are co-prime. ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द रेशनल नंबर 1/13 इज टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. ठीक है, बोल रहा है कि 1/13 जो है, एग्जांपल ले लीजिए, बोले 1/13 जो है टर्मिनेटिंग रेकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है.
ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि 1/13 है। इसके कहने का मतलब यह है क्वेश्चंस का कि नॉन टर्मिनेट रेक, अगर मान लीजिए रेकरिंग आता है तो ऑलरेडी वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको पता करना है, तो 1/13 जब आ गया तो इसको हम ये देखते हैं, 1/13 जो क्यू है वो क्या है, 13 है। तो क्यू जो है 2 के पावर m 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं है, कभी आ सकता है चाहे कुछ भी करे। तो जब q इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा जब 2 इस फॉर्म में नहीं आएगा, तो ये क्या है, यानी कि रिपीटिंग नहीं है। ये क्या है, रिपीटिंग नहीं, फिनिट तो हो ही नहीं रहा है, साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या क्या बोल दिया मैं, फाग तो अब से करो तो बोले, क्वेश्चन है कि चेक वेदर द रेशनल नंबर 1/13 इज टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, 1/13 अगर है, इसको डिवाइड करने पे ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 1/13 रेशनल नंबर है, तो टर्मिनेट अगर नहीं होगा तो रिपीट हो जाएगा, रेकरिंग आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को देखने के लिए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्यू इज 2 बाई a 5 पावर n। अगर q का फॉर्म इस फॉर्म में आता है, q जो है 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में आता है, तो टर्मिनेटिंग है, वरना नहीं है। तो 13 जो है वही q है, वो इस फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसको फैक्टर भी करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, 13 इज नॉट ए फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर n। सो 1/13 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ में आई बातें। अगर थोड़ा और स्टेटमेंट देना चाहे तो आप दे सकते हैं, क्योंकि 1/13 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.0679230 76923। ठीक है, यानी जो टर्मिनेट वाला पोर्शन है वो क्या आ रहा है, 76923, ये पोर्शन जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, बिना डिवाइड किए भी जान सकते हैं, डिवाइड करके तो आपको पता चल ही जाएगा। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स इनटू फॉर्म ए बी। ठीक है,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कोई भी है रेकरिंग वाला फॉर्म, उसको अगर सिंपल सी बात है अगर फ्रैक्शन में है तो डिवाइड करके हम डेसिमल में चेंज कर देंगे, ओके लेकिन डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें? नॉर्मल डेसिमल जो फिनिट है जो टर्मिनेट है वो तो कर लेंगे, लेकिन जो नॉन टर्मिनेट है उसको कैसे करेंगे? लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि 0.16 ये हो गया, इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एग्जाम्पल मेथड यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, अगर सॉल्व कर इसका क्या मतलब हुआ, यही 16 रिपीट हो रहा है बार बार इन्फिनिटी तक, यही मतलब हुआ है कि नहीं, वो तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट्स टू बी एक्स इक्वल टू दिस। अब ये बताइए हम एक्स इक्वल टू ये तो हो गया, अगर टेन एक्स की बात करते हैं हम ये देखते हैं, अब यहां पे समझने वाली कॉन्सेप्ट क्या है कि हम ये देखते हैं कि एक्स का वैल्यू तो हमें मिला हुआ है, एक्स इक्वल टू क्या है 0.161616161616 ऐसे, क्लियर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये देखते हैं कि ये जो डेसिमल है इसको पूरी रेकरिंग के बाद लेके आए, तो रेकरिंग कितना पे है 16 पे है, तो 16 के बाद लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो ये आ जाएगा, क्लियर है। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किए कि हमें लेकर आना है रेकरिंग के बाद, ओके दो कंडीशन बना, एक पहला इक्वेशन एच इक्वल टू दिस और 100 एच इक्वल टू दिस, अगर इक्वेशन टू में से वन को माइनस कर देते हैं, क्लियर, टू में से किसको माइनस कर देते हैं वन को, अगर टू में से वन को माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, देखिए अगर 100x में से x माइनस कर दिए और इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं 16.616 पे रेकरिंग जो है और ये हो गया दिस, तो ये माइनस किए तो 99x हो गया, ओके क्लियर, और ये माइनस किए तो रेकरिंग तो माइनस हो गया तो 16 बच गया, x का वैल्यू क्या आया 16/99 आया, एस इक्वल टू 16/99, ठीक है। अगर ये वैल्यू आया एस का तो एस इक्वल टू हमने माना हुआ है, माना हुआ है ना, एस इक्वल टू क्या माना है 0. ये और एस का वैल्यू आ गया ये, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिए इतना ही आएगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं और दो चार क्वेश्चंस ले लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.6 पे रेकरिंग है तो इसको लिए वही है कि एस इक्वल टू वापस मान लेते हैं ये, और यहां इसको यहां पर लाने पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, ठीक है, इसको 6 के बाद लाना है क्योंकि 6 पे रेकरिंग है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे है कि नहीं, यानी 10x इक्वल टू 6.6 पे रेकरिंग आ गया, वापस माइनस कर दीजिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, 9x इक्वल टू 6, एच इक्वल टू 6/9 2/3 इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरह से आप सॉल्व करते चले जाए। 1.37 7 पे सिर्फ रेकरिंग है, वापस मानिए एस का वैल्यू, इसको यहां पर रेकरिंग के बाद लाना है, समझ रहे हैं ना बात, तो इसको 2 पॉइंट ले जाने के लिए ये हो गया, इसको यहां लाने के लिए क्योंकि
ये आ गया 137.7 पर एक रिंग, है ना। तो दोनों में अभी सेप्टेशन करने में बड़ा मुश्किल से, तो एक काम करते हैं, एक तो रेकरिंग के पहले ले जाएंगे और एक रेकरिंग के बाद। तो अगर हंड्रेड से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे आ गया, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट क्या 13 के बाद आ जाएगा, क्लियर है। तो हमें ये सोचना है कि हमें रेकरिंग कैसे हटाना है सेप्टेशन के थ्रू, तो सिर्फ रेकरिंग को अकेला रखना होगा, समझ गए। तो अब देखते हैं, अगर 1 में से 2 को माइनस कर दिए तो ये क्या हो गया 19x, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ओके 90x, रेकरिंग माइनस किया 421, एच इज इक्वल टू 124/90, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.23 पावर रेकरिंग है, 23 पे रेकरिंग है, तो एच का वैल्यू वापस ले लो, ठीक है। हमें रेकरिंग से पहले डेसिमल है, अब रेकरिंग के बाद डेसिमल चाहिए, तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई किए, 223.23 पे रेकरिंग, वापस माइनस करो 2-1, ओके 99x इज इक्वल टू 221, एच इज इक्वल टू 221/99, इसको ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्टी फोर पॉइंट फाइव सिक्स सेवन एट इस पे रेकरिंग है, तो ये भी सिर्फ देखने में बड़ा है, इसका वैल्यू वापस वही रखते हैं, रेकरिंग से पहले डेसिमल है तो रेकरिंग के बाद डेसिमल, 1234 फोर टेन जीरो होगा, हो गया 10,000, 3456.5678 हो गया, माइनस कीजिए 4, 4, 6, 5, 3, 4, इसका वैल्यू निकल गया। तो जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, दर्जन प्रॉब्लम, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, सबका खैर, बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक।